सब नाउ दो सराती काल ले जाएगा ठीक है। SN लाइव सच सबसे आगे। चाचा क्या बोलना चाहते हैं आप? हम बोलना ढेर नहीं चाहते हैं। हाँ, बर्बादी हटाइए। बर्बादी हटाना है तो नीतीश सरकार कुछ काम किए आपके क्षेत्र में? दाना पर डालते हैं। हाँ हाँ, और पानी का विकास नहीं करते हैं, पानी भी हम लोग मरते हैं पानी से। जल नल योजना तो चल ही रहा हर गांव में। वो पानी नहीं जी, हम जाकर देखिए दरियाओं को, हम लोग सब रोकते हैं, सब जाता है, पानी का विकास नहीं है, पानी का विकास नहीं है। नहीं है तो क्या कहना क्या चाहते हैं? हम यही जानते हैं कि ले जाकर दरिया में नाला बना के गिराइए पानी। नाला सब खेत में गिर रहा है, इस सब डूब गया है, हम लोग को मरते हैं पानी से, इसका देखने वाला कोई नहीं है। तो आपके गांव में कोई नहीं है वो है जो, जो आवाज पहुंचाया ऊपर तक? ना, वो शराब पीता है ये विधायक ठीक है। तो शराब तो बंद है बिहार में? बंद है, खूब बंद है। नीतीश सरकार तो बोलते हैं शराब बंद है, वो लोग बोलते हैं वही चालू किया है। मिलता कहाँ से? और देखिए कहाँ से मिलता है, उनको पूछिए। नहीं मिलना चाहिए ना जब बंद। हाँ, वही चालू किया है। नाम क्या हुआ जब? कन्हैया महतो। कन्हैया महतो, ठीक है। अभी हम उखई गांव में हैं और चाचा से बात करते हैं। आप क्या कहना ये है सर कि साहब ठीक कैंडिडेट चुने हैं जी जी, मगर यही मुस्लिम में छोटा कास्ट रहता तो बड़ा कास्ट मुसलमान है, यहाँ कोई कास्ट वोट नहीं देता, मगर हम मुस्लिम के नाते लालू प्रसाद को वोट देंगे, राजद को। राजद को वोट देना जी, मगर यही कैंडिडेट छोटा कास्ट बड़ा का रहता तो बड़ा कास्ट वाले नहीं घोटते, घोटना समझते हैं, नहीं करते वोट नहीं देते। ये भी तो बहुत बड़े बड़े वादा किए हैं तेजस्वी भी, ये है नया बहुत है, नया खून है। हाँ, कुछ हाँ, काम करें। काम करेंगे। इसलिए नीतीश सरकार 15 साल से थे हैं, कुछ किए हैं नहीं। वो तो जाली है, चोर है, बेईमान है, दारू और बिकता है, और दारू के लिए हर साल प्रोग्राम होता है कि और ज्यादा फैक्ट्री खुल गया। आप कहाँ से आप बिहार में? इसका तो फैक्ट्री हर एक जगह है। आप क्या करना चाहते? क्या 15 साल से जो सरकार नीतीश सरकार है कुछ काम किया आपके क्षेत्र में? देखिए हमारे क्षेत्र में तकरीबन 15 साल तो काम हो गया उसके लिए, तो परेशानी है। शिक्षा का काम किए हैं या नहीं? शिक्षा का काम किया तो फिर आप बोल रहे हैं ये बच्चों को पढ़ने के लिए परेशानी है? अभी जो ये आया है लॉकडाउन, हाँ, इस वक्त बच्चे परेशान हैं। तो लॉकडाउन जो हुआ था, मार्केट खोल दिया गया, सारा बाजार खुल गया, ट्रेन भी खुलने लगी, लेकिन स्कूल कॉलेज कुछ नहीं खुला। हाँ, वही तो हम जानना चाहते हैं कि आगे काहे नहीं खुला। कहते हैं का इकट्ठा मत रहो, जा करके जगह जगह पे जबकि बिहार में एजुकेशन जरूरी है और सारा कुछ खुल दिया गया था और फिर में एजुकेशन नहीं खुला गया था, ना कॉलेज खुला ना स्कूल खुला, आखिर की और अभी तक भी कोचिंग बंद है। हर चीज अभी भी प्रतिबंध है। अभी ये भी सुनने में आता है ताकि इलेक्शन के बाद फिर लॉकडाउन लगेगा बिहार, ये आगे की बात है। लेकिन अभी जैसे चुनाव आ गया तो चुनाव के टाइम लॉकडाउन हटाने का मतलब? हटाने का मतलब अगर कि चुनाव है इसलिए हटाए हैं लोग, तो फिर एजुकेशन पे काम कहाँ हुआ? कहाँ हुआ ही नहीं, इसीलिए ना हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो कह रहे हैं लोग, सब बच्चे बेकार घूम रहे हैं। जितने लोग आए हैं बाहर से, जो भी बाहर नौकरी करते थे, यहाँ पे कितने लोग को नौकरी मिला है? यहाँ कुछ मिला? आपके गाँव में बहुत लोग आए होंगे बाहर से। कुछ नहीं मिला तो किसी को? बिहार में कोई चीज बनेगा तब ना, मान लीजिए कि इतना दिन नीतीश सरकार रहे, इतना दिन लालू सरकार रहे, आज तक हमारे बिहार के जितने भी नौजवान हैं, शिक्षित लड़के हैं, वो बेकार पड़े हुए हैं। तो बिहार में सबसे जरूरी क्या चीज़ अभी के? तो अभी सबसे जरूरी ये है कि हमारे गांव के जो शिक्षित लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, ऐसा यहाँ हमारे बिहार में कोई चीज़ हो। बिहार में अभी तक मतलब नौकरी नहीं है? हाँ, बिहार में नौकरी चाहते हैं हम। हाँ, तो तेजस्वी ने वादा किया 10 लाख नौकरी देंगे हम सीट लेते ही, तो क्या आप चाहते हैं? तो देंगे कहाँ से? जब तक कोई ये नहीं होगा तब तक देंगे कहाँ से?
वो तो वादा किए हैं कि हम देंगे। वादा किए हैं तो वादा तो हर इंसान ही करता है, वो भी वादा किए थे, ये भी वादा किए हैं, वादा करो। नमस्कार, SN लाइव में आपका स्वागत है। आपके जीवन से जुड़ी हो बातें या पॉलिटिक्स से जुड़ी हो खबरें या विधानसभा चुनाव की हो जानकारियां या फिर हर छोटे बड़े क्राइम आप तक पहुंचाने के लिए हर पल हर घड़ी आपके बीच SN लाइव मौजूद है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें SN लाइव।